हेलो, तो माइनक्राफ्ट डे 4। तो आज तो हम कुछ ना कुछ करके, पक्का मैं बोल रहा हूँ, आज के डे में तो हम कुछ ना कुछ करके, पूरी मेहनत करके हम अपना हाउस बना के ही रहेंगे। और ये जितना भी मतलब एकदम बड़ा हाउस बनाएंगे, छोटा मोटा सा नहीं। अपने पास देखो स्टोन आ चुका है, अपने पास प्लैंक्स और किसी के भी कमी तो नहीं है। इसीलिए आज गणपति बापा का नाम लेके शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपने पास वो सामने की तरफ जो गाय दिखा दे रही है, उस गाय को हम ले लेते हैं, इधर बांध देते हैं। इसका नाम हम बदुड़ी रखेंगे। मतलब मेरे घर के पास भी एक गाय आती है, मतलब वो डेली मेरे हाथ से खाना खाती है, सुबह दोपहर शाम हमारे घर के बाहर ही रहती है। इसके लिए इधर भी हम अपने रियल वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में, मतलब दोनों रियल और रियल दोनों वर्ल्ड में हम अपनी एक गाय रखेंगे। तो इधर से अपना सबसे पहले एक फेंस बना लेता हूँ, उस फेंस के ऊपर अपना ये रख दूंगा। इधर फेंस को रख देता हूँ, इधर अपने लीड से बांध देता हूँ। और शायद नाम दे देना पड़ेगा वरना ये गायब हो जाएगी। तो ओके, इधर तुम रुकना गाय माता, इधर से दूर मत जाना। तो चलो, इधर मैंने स्टोन रखा था, इस वाली चेस्ट में मैंने थोड़ा सा सामान रख दिया था। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल में से देख लेता हूँ कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मतलब सबसे पहले अपना आयरन से जितने भी टूल्स है वो टूल्स बना लेता हूँ, क्योंकि हमें देखो आयरन के सारे टूल्स होंगे, उसकी हेल्थ थोड़ी सी अच्छी रहती है इसके लिए। और ये जो अपने वुड के स्टोन के वो तो जल्दी मतलब लो हेल्थ में चले जाते हैं इसके लिए। तो स्टार्टिंग में हम ऐसा करते हैं कि ओके, इधर अपना सारा के साथ सबसे पहले तो मेरा जितना भी कूड़ा है ना वो सबसे पहले मैं बाहर फेंक देता हूँ। ये पेड़ है, लेदर है, ये सब हमें मतलब अब तो हम प्योर वेजिटेरियन हो चुके हैं। अब डे 4 से अब याद रख लेना आप सब लोग, हम पूरा का पूरा वेज खाएंगे, नॉन वेज को छुएंगे भी नहीं, मारेंगे भी नहीं किसी को, अहिंसा हिंसा वो कुछ नहीं करेंगे। अभी तक मैंने पढ़ा नहीं हिंसा या अहिंसा क्या होता है। तो इधर जितना भी कूड़ा है ये सब फेंक देते हैं। वैसे भी हमें मतलब जो स्टोन है उसका ही काम होगा आज। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, ऐसा करते हैं कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इस बाउंड्री कितनी बड़ी रखें। मतलब ऐसा करते हैं ये वाले लेयर को पूरा हटा देते हैं। इससे थोड़ा सा तो मतलब इस साइड थोड़े मुझे ग्रास है और ये सब है डर्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अपना हाउस ऐसे मतलब बीच में हम सेंटर में रखने वाले हैं, ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं। इसके लिए एक लेवल में कर देते हैं और डर्ट तो मेरे पास इतनी सारी आ जाएगी ना। तो चलो इधर से ये जितनी भी डर्ट है वो डर्ट को निकाल देते हैं। ओके, तो ये वाला पार्ट तो मैंने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है। अब सिर्फ ये वाला जो राइट में है और लेफ्ट में थोड़ी सी डर्ट है वो निकाल देते हैं। पहले 1 2 3 4 लास्ट वाली डर्ट भी निकाल दी और ये बीच मतलब रह गई थी इसको भी निकाल लेते हैं। अपने पास डर्ट की तो देखो कमी नहीं है, इसमें मैंने स्टोन रखे थे। सबसे पहले मैं स्टोन ले ले रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि स्टोन ब्रिक से ही अपना मतलब हाउस बनाए, मतलब पूरा स्टोन ब्रिक से नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा वुड स्टोन ब्रिक्स मतलब 50-40% डिज़ाइन के साथ हम बनाएंगे। और इसमें अपना आयरन भी मैं रख देता हूँ। तो स्टार्टिंग कैसा करते हैं कि हम स्टार्टिंग अपना ओक लॉग से करते हैं। मतलब पहले मुझे देखने दो, पूरा का पूरा मतलब मेजरमेंट लेके ही बनाएंगे, क्योंकि मैं वैसे तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ लेकिन इंजीनियर भी हूँ, वो तो आपने आप सब लोग जानते ही मेरे बिल्ड से। अब बस कॉमेंट कर देना अच्छा लगे तो। ओके, इधर से मैं सबसे पहले ये ओके स्टार्टिंग हम इधर से करते हैं राइट साइड में से। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 1 2 3 मतलब अपने जो 4 साइड में जो पिलर्स होंगे ना वो पिलर को हम अपने वुड से बनाएंगे इस तरीके से। और बाद में मुझे इसमें जो अच्छा नहीं लगेगा तो इसको पूरा ऊपर से नीचे तक चॉप कर देंगे। और अब सोच रहा हूँ, मन ऐसा कर रहा है कि और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो आगे की तरफ ले लेता हूँ। ओके, सीधी लाइन में आ चुके, तो 1 2 3 4 5 6 ओके 7 एक लास्ट में लगा देते हैं। तो ओके, इसी तरीके से और पीछे की तरफ 2 पिलर बना देते हैं और दिखने में तो मतलब अच्छे ही लगेंगे। अब मुझे पहले देखने दो एक लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके, इधर से ये अब कब पता नहीं, अब कब मुझे इतना सारा सपोर्ट करोगे कि मेरे पास भी अच्छा सा कंप्यूटर आ सके। ओ शिट, ये क्या कर दिया मैंने, ये सबको निकालो अब भाई साहब, मुझे ये चॉप नहीं करना था। तो मैं बोल रहा था कब यार, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे भी थोड़ा सा मतलब पॉपुलर फेमस बना दो। फिर फेमस होने के बाद तो आप देखना होते हो आपका भाई मतलब कैसा कंटेंट देगा, मतलब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। ओके,
बातें बड़ी बड़ी होती है लेकिन पता नहीं सपने कब पूरे होंगे। ओके इधर से ये वाला जो प्लैंक है वो हटा देता हूँ, मतलब अब देखते हैं। मैंने गलती कर दी थी बात बात में, इधर से हम पीछे की तरफ लेके चलते, मतलब और थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है तो हम जितना भी हो सकते उतना बड़ा स्पेंड कर देंगे। मतलब ये हाउस को छोटा सा नहीं बनाना है, उसमें हम सिर्फ सा पूरा का पूरा सामान अलग रखेंगे, अपना बेडरूम और सब अलग अलग करेंगे इसके लिए। ओके इतना हाइटेड तो ओके इतना तो चलेगा। अब इधर से मुझे आगे की तरफ देखना पड़ेगा। ओके शायद से मुझे डर्ट लगानी पड़ेगी आगे की सा हो। हाँ यस मुझे आगे की तरफ डर्ट लगानी पड़ेगी। रुको मैं डर्ट ले लेता हूँ, इधर से आगे की तरफ लगा रही है मैंने, लीड की तरफ ले ली। वैसे भी हमारे पास डर्ट की तो कमी है ही नहीं, इसी तरीके से मतलब आगे की तरफ लेयर बना देंगे। ओके तो इधर से हम अपना सबसे पहले लेख लेते हैं कि पीछे की तरफ कौन सी डर्ट पे हमें अपना लास्ट वाला फोर्थ पिलर रखना है। ओके ये वाला इसको मैं चॉप कर देता हूँ। और इधर की तरफ अपना सबसे पहले एक वुड प्लैंक लगा दे, ओक लगा देते हैं। ओके 1 2 3 1 2 3 तो ओके फाइनली तो 1 2 3 अपने चारों तरफ के जितने भी पिलर्स थे वो तो रेडी हो चुके। अब तो सिर्फ इसके बीच में हमें सिर्फ एक वॉल लगानी है। वॉल को भी मैं अपनी अलग डिज़ाइन से हम बनाएंगे, वो तब देखते हैं कौन से वाली डिज़ाइन से बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे खाना खाना पड़ेगा, लेकिन खाना किधर से लाए। ओके एप्पल है अपने पास, एप्पल से तो शायद से इतनी जल्दी हेल्थ नहीं बढ़ती है, या पता नहीं मैंने मतलब अब तो मुझे पूरा मतलब आधी से ज़्यादा माइनक्राफ्ट मैं भूल चुका हूँ, पूरा मतलब ब्रेन वॉश हो चुका है। ओके ओके हो चुकी अपनी पूरी मतलब खाना खाना हो चुका है। अब मैं ब्रिक ब्लॉक बनाने वो देखते हैं कि कौन से, मतलब मुझे याद तो थे शायद से उसमें आयरन चाहिए था या नहीं चाहिए था वो मुझे याद नहीं है। स्टोन से बन जाता था शायद, इसी तरीके से चारों तरफ मतलब स्टोन रखते थे और ब्रिक ब्लॉक बन जाते थे, ब्रिक वाले ब्लॉक। ओके मुझे देखने दो, रेसिपी भी मुझे याद नहीं है, अब मुझे गूगल तो करना नहीं, इससे अच्छा ऐसे करते वो साइड वाले में से हम देख लेते हैं। ओके ब्रिक ब्लॉक बाद में बनाएंगे, सुबह में इस ब्लॉक हम बाद में करेंगे, सबसे पहले सो जाते हैं वरना इधर ही अपना गेम बजा डालेंगे क्रीपर वो सब। ओके गुड मॉर्निंग गाइस, तो इधर हम बात कर रहे थे कि हम अपना वो ब्लॉक्स बनाना था, तो अब मैंने आयरन ले लिया, देखते हैं आयरन से भी नहीं बनता तो इसकी रेसिपी क्या थी। ओके देखो मैंने बोला था ना चारों तरफ स्टोन लगाते हैं और उसके बाद वो ब्रिक ब्लॉक बन जाते हैं, तो ओके ब्रिक ब्लॉक भी मैं सोच रहा हूँ बना लेता हूँ, अपना एक स्टेक बना लेते हैं 64, बाद में देख लेंगे जितना भी होगा वो सब कुछ। ओके तो फाइनली इधर अपने फर्नेस में तो अब सबका आयरन रखा है, ब्लॉक रखा है और देख ले रहा हूँ और दूसरा भी कुछ बन सकता है तो बना लेता हूँ। देखने दो मुझे कुछ अच्छा सा मतलब लगेगा तो हम बनाएंगे। ओके अभी तो कुछ अच्छा लगा नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि नीचे की तरफ जितनी भी अपनी जो ये है ना वो डर्ट को निकाल के मैं अपने नीचे की तरफ ब्रिक ब्लॉक लगा देता हूँ। ब्रिक ब्लॉक को देखने में भी अच्छे लगते हैं और फ्यूचर में मतलब आग और वो फायर से मतलब पूरा घर जल ना जाए इसके लिए नीचे की तरफ प्लैंक लगाना वैसे भी मतलब एक रिस्क है, इससे अच्छा हम ये ब्लॉक लगा देते हैं पूरे के पूरे मतलब ग्राउंड में नीचे वाले फ्लोर में हम पूरा का पूरा ब्लॉक लगा देंगे ये वाले। फाइनली 30% अपना पूरा का पूरा काम हो चुका है। नीचे की तरफ पूरा मैंने ब्लॉक लगा दिया है और चारों अपने जो 1 2 3 4 अपने जो पिलर्स थे वो भी मैंने रेडी कर दिए और देखो देखने में एक नंबर लग रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ये वीडियो की हमें रीच बढ़ानी है इसके लिए, बाद में फिर हमें लेट नहीं करना इसके लिए। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मुझे मतलब मेरे पास ये थोड़े बहुत बोन थे उससे हम बोन व्हील बना लेते हैं और अपने जो इधर हमने फार्म बनाया था वो फार्म के ऊपर हम डाल देते हैं, क्योंकि अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में हम पूरे के पूरे वेजिटेरियन बन चुके हैं, इसके लिए अब मैं कुछ भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाऊंगा इसके लिए सबसे पहले। और थोड़ा सा और अपने पास हड्डी है, उस हड्डी से हम बोन मील बना लेते हैं और बोन मील को डालते हैं अपने ये वीट के ऊपर और वीट से हम अपनी ब्रेड बना लेंगे। ओके अभी भी अपने पास 6 बचा है, अब 4 बचा है, इधर आगे की तरफ मार देते हैं और इधर भी मार देते हैं और लास्ट में इधर भी मार देते हैं और ले लेते हैं अपना वीट।
जितना भी हो सकता है उतना तो वीट ले लेंगे, उसके बाद इसको और स्प्रेड कर देंगे आस, मतलब और थोड़ा सा बड़ा बना देंगे। वैसे भी इसमें हम सीड अच्छी खासी मिल जाएगी, सीड मिल चुकी है, तो ऐसा कर रहा हूँ इधर की तरफ लगा देता हूँ और इस अपने फार्म को और थोड़ा आगे की तरफ बड़ा बना देता हूँ। चलो सबसे पहले मैं जाके सबसे पहले वाटर लेके आता हूँ, वाटर को लेके इधर डाल देते हैं हम। और इसके आसपास हमें चॉप करने के लिए अपने पास, मेरे पास सवल है ही नहीं। देखो अब मुझे वापस से अपने आयरन से मतलब सवल बनानी पड़ेगी, तो सवल बना लेते हैं और इधर अपना फार्म को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो ये देखो इधर हम सीड लगा देते हैं 1 2 3 4 5 और अपनी ब्रेड बना लेते हैं। तो अब देखो मैंने बोला था आपको पूरा पूरा वेजिटेरियन बन जाऊंगा, तो देखो इसी ब्रेड के नाम पे लाइक मारो, लाइक मारो इस वीडियो पे, लाइक मारो सब। सबसे पहले मैं अपने ये ब्रिज ब्लॉक के मतलब ब्रिज प्लैंक के वो ले लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ नीचे की तरफ ऐसे अपने ब्रिज प्लैंक्स लगाएंगे और उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि वॉल लगाऊँ। और कैसे मतलब वॉल थोड़ी सी पतली होती ना इसके लिए, और ऐसे मतलब डिज़ाइन में भी अच्छा लगेगा। इधर की तरफ एक और ब्लॉक लगा ले रहा हूँ और इसके बीच में आएगी अपने ब्रिक ब्लॉक मतलब ब्रिक वॉल। तो ब्रिक वॉल बना लेते हैं, ब्रिक वॉल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी ब्रिक ब्लॉक। तो ब्रिक ब्लॉक तो मैंने ले लिया है, उसकी हम वॉल बना लेते हैं सबसे पहले। ये तो गाइस मैंने वॉल तो बना लिया, इससे हम आगे की तरफ इसको वॉल को लगा के आते हैं और फिर देखते हैं इसका रिव्यू लेते हैं। ओके मतलब अच्छी लग रही है, और ऐसे कर देंगे मतलब इसी तरीके से हम बनाएंगे पूरा और ऊपर से नीचे तक ऐसे फिल कर देंगे। फाइनली डे 4 में मैंने अपना पूरा का पूरा हाउस कंप्लीट कर दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था हम अपना एकदम यूनिक हाउस बनाएंगे, तो ये पूरा का पूरा मैंने हाउस बना लिया है। मतलब अभी तो थोड़ा है, मतलब ये सबसे पहले गधे को हम मारते रहे। ये पहले एक को लेके आया था और अब दो को लेके आया है, और ये ब्लू पैंथर मुझे बिल्कुल भी पसंद है। इस बार तो क्या ही मैंने इसको पीटा है साले को। तो गाइस ये देखो अपना पूरा मतलब हमने हाउस बना लिया है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़े से अपने मतलब डोर तो बनाना बाकी था, तो डोर बना लेते हैं सबसे पहले। और मैंने डोर ऐसे सोच रहा हूँ कि दोनों तरफ अपने डोर रखूँ, इससे मतलब राइट सामने की तरफ भी रखूँ और पीछे की तरफ भी रखूँ। इधर मतलब इस साइड में तो एक ही डोर लगेगा, लेकिन इस साइड में अपने डोर लग जाएंगे। तो देखो अंदर से अपना ये कुछ ऐसा दिखता है। मैंने अंदर की तरफ मतलब पूरे की चारों तरफ अपनी ये लाइट लगा दी थी, क्योंकि अंदर मॉप्स स्पॉन हो रहे थे इसके लिए। और इधर से अपना जाने का रास्ता है, इसको भी मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉक लगा के मतलब पूरा का पूरा मतलब कवर कर ले। तो इसको मैंने इस तरीके से कवर कर लिया है। तो ये देखो देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, बाहर चल के मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये देखो कुछ ऐसा अपना लुक आ रहा है सामने की तरफ से। ओके ये वाली ब्रिक मैंने गलत लगा दी, सबसे पहले इसको मैं हम हटाते हैं। गलती तो होती रहती है, वो तो कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके तो गाइस आज के वाले वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इधर तक तो मुझे पता है कोई भी नहीं देखता, और ये वाला तो पूरा चैनल मेरा डेड ही हो चुका है। जैसी मेरी लाइफ डेड हो चुकी इसी तरह ये वाला चैनल भी मेरा पूरा डेड हो चुका है। लेकिन कोई नहीं, मैं भी लाइफ में अकेला सर्वाइव कर रहा हूँ। हम इसी भी इस वर्ल्ड में भी अकेले सर्वाइव करके फेमस हो गए, आगे बढ़ेंगे, अपने दम पे कुछ करके दिखाएंगे।